हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आगे में कौन रिव्यू के साथ वापसी। तो आज की वीडियो में हम फिर से करने वाले हैं पुशिंग। ये पुशिंग का भाई एपिसोड नंबर 11 होने वाला है और इसमें हमारे स्टार्टिंग में टोटल स्कोर 8808 है। हम इससे आगे पुश करने वाले हैं। तुम्हारा भाई थोड़ा सा बीमार है तो ज़्यादा नहीं करूँगा, लेकिन जितने भी करेंगे आप देख लेना। और हम रीजन विंस में जो सोलो में विंस में ऊपर चल रहे थे टॉप 41 नंबर पे, उससे भी भाई हम नीचे आ चुके क्योंकि मैंने पुशिंग छोड़ रखी है। तो चलो इन छोड़ो बातों को सभी को, हम चल लेते हैं भाई मैचेस की ओर। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलिए शुरू कर लेते हैं यार। तो ये रहा हमारा आज का पहला मैच और राइट साइड में मेरे एक बंदा था जिसने मेरे पे ड्रोन छोड़ा था और मेरे ऊपर से निकल गया था वो। और राइट साइड को तो मैं बिल्कुल नहीं जाने वाला था, इसलिए भाई मैं लेफ्ट साइड को भागा। जोन में जाना था क्योंकि मेरे को अभी जोन चल पड़ा था, उसको भी जोन में जाना था, इसलिए भाई उसने मेरे पे रश नहीं किया, वो भी मतलब आगे बढ़ना स्टार्ट कर दिया। तो अभी मेरे अलावा टोटल भाई 6 बंदे बच रहे थे और मेरे 2 किल ऑलरेडी थे। मेरे को सिर्फ एक बंदे की लोकेशन पता थी जिसने मेरे पे ड्रोन छोड़ा था राइट साइड से। और भाई जहां पे मैं आ ही रहा था आगे जाके मैं ब्रोकन हाउस में बैठने ही वाला था, तभी भाई सामने बंदा दिख गया। भागते बंदे को तो भाई ये मारती नहीं है, लेकिन अगर बंदा रुक जाए भाई उस पे फायर कर दो भाई। फार्मस एक्स कुछ ज्यादा ही ओपी कर रखी है इन्होंने यार, क्या बोलूं अभी भाई। मतलब डबल वेक्टर के मुकाबले की है यार ये गन, अगर लॉन्ग रेंज में आप फायर कर रहे हो। सामने डबल डोर पे भी भाई बंदा था, उसकी लास्ट की जो दो गोलियां ना भाई उसके पैन पे लग गए, नहीं वो बंदा भी वहीं पे खत्म था। अभी भाई जोन चलने वाला था थोड़ी देर में ही, पहले ये रुक गया और सामने वो टावर जो वो जोन में था, लेकिन वहाँ पे मैं जाके रुकने वाला था। मैं वहाँ पे बाद में रुकने वाला था, क्यों? क्योंकि राइट साइड में जो घर था सिंगल सा, उसमें मेरे को लग रहा था भाई बंदा है, अगर मैं जहाँ पे रुक जाता तो वो मेरे को पीछे से मार देता। लेकिन बाकी 3 बंदे जो सारे के सारे थे वो लेफ्ट साइड में थे, मेरे को सबका पता था, लेकिन एक बंदे की मेरे को कन्फर्म लोकेशन नहीं पता थी, इसलिए मैं आगे जाके नहीं रुका। और अब मेरे को भाई बंदे दिखने स्टार्ट हो जाएंगे, तो देखना कैसे कैसे किल होंगे। तो ये रहा हमारा पहला बंदा जो कि ग्लू वॉल लगाते लगाते आगे जा रहा था। भाई इसके पास शायद से स्काइलर था क्योंकि इसको इतनी ज़्यादा डैमेज करने के बाद भी ये बच रहा था। इसके ग्लू वॉल लगाता था और आगे बढ़ जा रहा था, ग्लू वॉल लगाता था आगे बढ़ रहा था, इसलिए इस हिसाब से इसके पास भाई स्काइलर था, ये बच गया। इसको बहुत ज़्यादा डैमेज की थी बंदे को मैंने, और यहीं पर बैठे बैठे बस यहीं पर किल करेंगे भाई। और 3 किल हो रखे हैं, अभी देखना भाई कैसे किल निकलेंगे तुम्हारे भाई के। और अभी जोन चल पड़ा था, सभी को जोन में आना था। राइट साइड में से तो भाई बंदा निकला नहीं, अगर होता तो जरूर निकल जाता क्योंकि अभी जोन चल पड़ा था। सबसे पहले मैं आया, इसको काफी ज्यादा डैमेज करी, मेरे को लगा भाई ये किल मेरे हाथ से गया, लेकिन भाई दो सामने पर बंदा आया था, मैं उसको किल करा पहले और उसके बाद इसको किल किया भाई। मतलब सभी के सभी उड़ा दिया। अभी लास्ट का जो बच रहा था वो भी एक और उतर के आया था डबल डोर से, जिस पे भाई पैन पे गोलियां लगी थी, वो भी खत्म। अभी लास्ट का एक और बच रहा था भाई, वो लेफ्ट साइड में अभी जस्ट ग्लू वॉल लगाया था, वो भी बेचारा जोन के बाहर था, और इसको भी भाई आना ही आना था। लेकिन यार क्या है, मेरे फोन के थोड़े से फ्रेम ड्रॉप हो गए और एक दो गोली उसके नहीं लगी जिसके वजह से वो एलिमिनेट हो गया यार। नहीं तो भाई मेरे को इजीली मतलब वो भी किल मिल जाता। चलो कोई नहीं, इस मैच में भाई मेरे को 13 प्लस मिले थे। तो अब बढ़ते हम नेक्स्ट मैच की ओर। तो गाइस अगर हम बात करें इस वाले मैच के बारे में, भाई जोन के बाहर 2 बंदे लड़ रहे थे, मेरे को लगा भाई इसको मेरी लोकेशन नहीं पता थी, भाई बंदा एकदम से मेरे को खा गया था लगभग। लेकिन भाई बंदा थोड़ा सा जोन से डैमेज हो रखा था और ऊपर से मैंने पूरी की पूरी M10 इस पे उतार दी, और जिसके बाद ये खत्म हो गया। और मेरे पास लेवल 4 का बेस्ट था इसलिए भाई मैं बच गया, नहीं तो ये मेरे को इजिली किल कर ही गया था लगभग। और फिलहाल के लिए भाई मैं जहाँ पे आके थोड़ी सी वेट करने वाला था, और मेरे अलावा टोटल अभी 3 बंदे और बच रहे थे। 4 किल हमारे ऑलरेडी हो रखे थे, हम 3 में से अभी ढूंढ ढूंढ के सबको उड़ाएंगे। अभी भाई मैं थोड़ा सा रश करके खेलने लगा हूं, क्यों भाई? क्योंकि मजा नहीं आ रहा था यार ज्यादा सर्वाइव करने में। तभी भाई राइट साइड से मेरे पड़ी और सामने वाले बंदे पे मैंने थोड़ा सा फोकस किया, राइट वाले को बाद में देखेंगे क्योंकि उसकी लोकेशन भाई मेरे को पता नहीं थी, वो कवर में था, सब कुछ था उसके पास, इसलिए मैं उस पर नहीं फोकस किया। और इसको काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो रखी थी तो मैंने बिना सोचे समझे रश कर दिया, क्योंकि मैं रश कर रहा हूँ थोड़ा बहुत, अभी जस्ट रश भी सीखेंगे यार। और जे वाला नेट भाई क्यों नहीं लगा इसके, मेरे को ये नहीं पता यार, बिल्कुल मत्थे पे फटा बंदा फिर भी नहीं मरा, पता नहीं क्यों यार, मैंने हवा में फोड़ दिया यार क्यों। चलो कोई नहीं, जो भी थी अभी इसके ग्लू वॉल तोड़ के इसको उड़ाया भाई। बंदे ने 2 शॉट मारे थे भाई, लेकिन एक ही शॉट मेरे को लगा, और मेरे पास डबल रेट ऑफ फायर वाली M10 है, इस वजह से भाई 5 गोलियां इसकी कब निकल जाती हैं भाई बिल्कुल पता नहीं चलता, बिल्कुल भी नहीं। अगर M10 की कोई स्किन निकालना चाहते हो तो भाई डेथ साई की निकालना, बहुत ज़्यादा ओपी है भाई। मतलब देखो उसके 2 शॉट उसने मारे, उसका एक ही लगा, उससे दूसरा लगने से पहले भाई उसके 3-4 लग गए शॉट, वो बंदा वहीं पे ढेर हो गया, लाइव प्रूफ है आपके सामने देख लो भाई। इसको खत्म करने के बाद इसको लूटा, और अभी भाई बच रहे थे टोटल 2 बंदे और मैंने ग्लू वॉल तोड़ी फटाफट, और मैंने डबल बैरल शॉट गन उठा ली क्योंकि भाई थोड़ी बहुत ही चलाना यार सीखनी है यार, मेरे को बिल्कुल चलाने नहीं आती है, और हाथ में पकड़ते हुए भाई ये बढ़िया भी लगती है। और सामने भाई बंदा था, अगर मैं भागते सिंपल से जाता रहा भाई तो मेरे इजिली हेड मार देता वो इजिली।
अब इस टाइम पे भाई मेरे को आ गई थी कॉल। भाई मेरे को लगा मैं तो गया, लेकिन मैंने होल्ड किया और भाई बंदा जहाँ पे नेड करने लगा कॉल की वजह से, भाई मेरे को पता भी नहीं चल रहा था वो बंदा क्या कर रहा है, मतलब नेड की आवाज़ भी नहीं आ रही थी, कुछ भी नहीं, बस भाई चल रहा था जो भी चल रहा था, कॉल की वजह से भाई मेरे पास आवाज़ ही नहीं आ रही थी। लेकिन तभी मेरे को थोड़ा सा उसका हाथ वगैरह दिख गया, मेरे को लगा कि वो नेड कर रहा है, तो मैं भाग के वहाँ से हट गया। और जहाँ पे भाई मेरे को कन्फर्म पता था कि वो और कहीं से तो नहीं उतरेगा, जब जोन आएगा तो भाई इधर से ही उतरेगा। अभी मेरा दिमाग देख लो भाई, पहले ही मैं पहले लैंडमाइन लगा के आ गया और बंदे ने वहीं से जंप किया। भाई देखो मतलब क्या घटिया दिमाग है भाई, पीछे से सीढ़ियों से उतर जाता तो क्या हो जाता तेरा यार। चलो कोई नहीं, मेरे को कन्फर्म पता था जिस हिसाब से वो हरकतें कर रहा था भाई वो इधर से ही जंप करेगा, इसलिए मैंने वहाँ पर लैंडमाइन लगाई। मैं दिमाग कुछ ज़्यादा ही लगाता हूँ यार गेम में, बस मूवमेंट नहीं है, अगर मूवमेंट हो जाए ना तो भाई क्या ही तबाही गेम प्ले होगी, मतलब अपने मुकाबले का कोई होगा ही नहीं। मूवमेंट तो भाई मेरी जीरो है, मतलब बॉट की भी अच्छी होती है मूवमेंट, वो बढ़िया कर लेता है मेरे से, लेकिन मूवमेंट नहीं है मेरी। और हाँ भाई अभी लास्ट का बंदा बच रहा था उसको उड़ाना था, और मैंने भाई ये तुक्के से किया था, मेरे को पता नहीं था जहाँ पे बंदा है भाई उसके नेड लग गया। वैसे तो भाई मेरे को दिखा नहीं भाई उसके नेड लग गया, लेकिन ऊपर जब मोको आ गई मेरे को लग, ओ गलती से भाई मेरे से ग्लू वॉल लग गई जहाँ पे, भाई जब मोको आ गई मेरे को लगा भाई बस यही पे है बंदा, पता चल गया यार, मतलब जो भी लगा लो। पहले तो मेरे को बस तुक्का ऐसे मैंने नेड किया, और भाई ये ग्लू वॉल गलती से लग गई यार, इसने उसको बचा लिया। अभी उसको भाई नेड लग रखा था और मेरे को लग भी रहा था अभी वो हील नहीं करेगा, इधर उधर घूम रहा होगा, तो ख़त्म कर दिया। चलो इसी के साथ हमको 7 किल के साथ बुया मिल गया, जिसमें भाई फिर से हमको 13+ मिले। अब बढ़ते हम नेक्स्ट मैच की ओर। वैसे इजीली बुया मिला, इजी भी बोल सकते हो नहीं भी बोल सकते हो, क्योंकि थोड़ा सा हमने दिमाग लगाया। तो गाइस ये रहा हमारा आज का लास्ट मैच, और इस मैच को आप देख के भाई चकाचौंध होने वाले हो। कमेंट में जरूर बताना मैं चकाचौंध सही बोल रहा हूँ या नहीं, चकाचौंध क्यों होने वाले हो भाई, मतलब हैरान क्यों होने वाले हो भाई। इसमें स्नाइपिंग देखना तुम्हारे भाई की। फिलहाल के लिए भाई मेरे को कोई बंदे की लोकेशन नहीं पता था, मेरे को एक पीछे बंदा दिख गया जो कि जोन से भागते हुए इधर को आ रहा था। मैंने एक शॉट तो मार दिया, लेकिन बंदे ने भाई 2 ग्लू वॉल लगा ली, क्योंकि उसको पता चल चुका था कि मेरे पास M82B है, तो उसके बाद उसने 2 ग्लू वॉल लगाई। मैंने दोनों के दोनों तोड़ दिए भाई बहुत जल्दी से, इतनी ज़्यादा फास्ट भी नहीं लेकिन जितनी थी बहुत थी। और उसके बाद भाई बेचारे को जोन में आना ही था, तो एक शॉट मार के उसके भाई में मैंने किल कर दिया। अभी मेरे को और किसी भी बंदे की भाई लोकेशन बिल्कुल नहीं पता थी, जो बच रहे थे बाकी के उनमें से किसी की लोकेशन नहीं पता थी। मेरे 5 किल हो रखे थे ऑलरेडी और 3 मेरे अलावा टोटल और बच रहे थे। अब बस उनको ढूंढना था और उनको किल करके भाई भूया अपने नाम करना थे। फिलहाल के लिए भाई मेरे को किसी भी बंदे की लोकेशन नहीं पता थी, मेरे को एक सामने बंदा भागता हुआ दिखा भाई, इसका अकेला हेड ही एक्सपोज हो रहा था भाई साहब, क्या ही रनिंग हेड शॉट पड़ा वो भी स्नाइपर से, मतलब कितना ओपी था। अभी ये तो भाई ठीक है, अभी एक और पढ़ने वाला है, बस देखना भाई, इसलिए मैं बोल रहा था कि भाई क्या ही आप हैरान होने वाले हो आप इस मैच में, आप देखना बस। इसको उड़ाया और इसको लूटने लगा भाई मैं, लूट के अभी बस लास्ट के 2 बंदे बच रहे थे, हमारी लूट भाई पूरी कंफर्म, मतलब बढ़िया सी, सब कुछ बढ़िया था हमारे पास, अभी बस लास्ट के 2 बंदों को उड़ाना था। और मेरे पास भाई सब कुछ अच्छा अच्छा पड़ा था और हमें एडवांटेज सब कुछ थी, मतलब कोई कमी पेशी नहीं थी। और उसके बाद भाई मैं लेफ्ट में आके जहां पे पत्थर पे बैठ गया, मेरे को बंदे की लोकेशन नहीं पता था इसलिए मैं थोड़ा सा डर डर के चल रहा था, दोनों की नहीं पता थे भाई, और मैं इधर आके बैठ गया भाई, तभी ये बंदा आया भाई, इसके भी हेड भाई, मेरे को लग रहा था कोई मेरे को भाई रिपोर्ट ना कर दे, मेरे को 13 बंदे पहले ही देख रहे थे, जिस हिसाब से मैंने उसके हेड मारा था और इसके हेड मारा था, मेरे को लग रहा था 1-2 रिपोर्ट तो पक्का पड़ी होगी। तो भाई साहब क्या ही खतरनाक हेड शॉट पड़े 2, और इनको मारने के बाद अभी लास्ट का बंदा बच रहा था और उसकी मेरे को लोकेशन नहीं पता थी, तो मैंने ये मक्खी उड़ा दी और हमारी मक्खी जाके ढूंढेगी उसे और उसको हम किल करेंगे। फिलहाल के लिए भाई उसकी लोकेशन मेरे को इसने बता दी और वो था बिल्कुल हमारे सामने जो कि जोन के बाहर घूम रहा था, तो मैं जहाँ पे आ गया और उसके बाद इसके एक स्नाइपर का शॉट मारने की ट्राई की। अभी सबको पता चल चुका होगा कि मैं हैकर नहीं हूँ, बहुत ही गंदी स्नाइपिंग है, और मैंने भाई स्कोप किया हुआ था, बंदा भाई एकदम से नेड कुक कर लिया और मेरे को दिख गया भाई उसका हाथ, तो तुम्हारा भाई भाग के पीछे आ गया। अगर मैं ना हटता भाई देखो एकदम से भाई मत्थे पे आके नेट फटा, इतना ज्यादा कुक किया था भाई बंदे ने, अगर मैं उसका हाथ नहीं देखता तो मैं जहां पे किल होने वाला था। थोड़ा सा दिमाग ज्यादा है तो इसलिए बच गए यार, कैसे भी तिगड़म चला के मैं बोलता रहता ना कि मैं कोई ना कोई तिगड़म चला के भाई बच जाता हूं जो मर्जी हो जाए। और उसके बाद बंदे को उड़ा ही देते हैं भाई, बंदे ने नेट इसे कुक तो इस हिसाब से किया था कि वो बंदा प्रो है, अभी देखना मरेगा कैसे भाई। बंदे ने जहां पे पहले गलती कर दी कि एक मेरे से शॉट खा लिया और उसके बाद मैंने रश कर दिया। अभी 132 का शॉट तो लग रखा था और एक मैंने नेड किया तो 52 की उससे और डैमेज आ गई, सॉरी 54 की। और उसके बाद भाई फिर से भागने लगा, उसके पास मैक्सिम था और 59 का एक हेड खा गया भाई बंदा, मतलब और भी ज्यादा डैमेज होगी, वैसे 200 से ऊपर चली गई लेकिन बस उसके पास भाई हील करने के लिए कुछ बढ़िया होगा इसलिए बेचारा कर गया। और उसके बाद MP40 निकाल के इसे मैंने किल कर दिया और फिलहाल के लिए भाई मेरे को 8 किल के साथ बुया मिल गया, जिसमें मेरे को मिले 13+। तो चलो गाइस ये था आज का सारा एपिसोड जिसमें हमारे फाइनल स्कोर निकल के आ रहे हैं 8902। आगे और एपिसोड आने वाले हैं तो चैनल के साथ जरूर बने रहना, मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।